Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that if y equal to yx and two plus sin x upon y plus one dy by dx is equal to minus cos x where y0 is equal to one. Then y pi by two is equal to option a is one by three, option b is two by three, option c is minus one by three, option d is one. हमें क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको यूज करके वाई वन बाई वाई पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है तो हमें गिवन है टू प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ये हमें गिवन है हम क्या करेंगे कि इसमें से y के टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और x के टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे तो y की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं y के टर्म्स है dy वाई अपॉन वाई प्लस वन और इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स पहले से था इधर और टू प्लस साइन एक्स नीचे आ जाएगा उधर से और dx यहां था वो ऊपर आ जाएगा अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड इंटेग्रेट करना है हमें इधर है वन अपॉन वाई प्लस वन और इधर है माइनस कॉश एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स ये वाला इंटीग्रल कैसे होगा ये इंटीग्रल होगा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी इसको यूज करके और जो राइट हैंड साइड है इसका इंटीग्रल हमें करना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है 2 प्लस साइन है उसको हम क्या करेंगे टी पुट कर देंगे तो इससे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी तो ऊपर कॉस एक्स डीएक्स है वो डी टी में चला जाएगा और नीचे टू प्लस साइन एक्स किस गए टी हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इससे हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस वन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इधर भी आएगा और राइट हैंड साइड भी आएगा तो हम इन दोनों को क्लब करके एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट दे देंगे चाहे लेफ्ट हैंड साइड तो या राइट हैंड साइड तो हम राइट हैंड साइड दे देंगे इसे इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये टू प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा टी में चला गया और कॉशक्स डी एक्स किस में चला गया हम डी टी में लेकिन माइनस बच गया माइनस डी टी हो गया और ये हो जाएगा ये सिर्फ इसी की फॉर्मेट में बन गया वापस बना पौना एक्स डी एक्स के में तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी हो गया तो इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी और प्लस c है c को हम किसी भी फॉर्मेट में रख देंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे log c की फॉर्मेट में रखूं ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करने है t हमने क्या रखा था टू प्लस साइन एक्स तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ y प्लस वन इक्वल टू लॉग ऑफ सी को पहले रख देता हूं माइनस लॉग ऑफ टी टी यानी टू प्लस साइन एक्स अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है लॉग ऑफ ए बाई बी इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कैसा रहेगा वाई प्लस वन इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा क्या हो जाएगा सी अपॉन टू प्लस आइन एक्स अब दोनों साइड लॉग है तो हम सिंपली लॉग को हटा सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन टू प्लस आइन एक्स अब हमें एक कंडीशन गिवन थी क्या की बन था वाई जीरो इज इक्वल टू वन मतलब कि एक्स जब जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई इक्वल टू वन होगा हम इस इक्वेशन में इसे रखते हैं और सी की वैल्यू निकालते हैं तो वाई इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू सी अपॉन टू प्लस साइन जीरो साइन जीरो कितना होता है जीरो यानी क्या हो गया सी बाई टू इज इक्वल टू टू तो सी कितना हो जाएगा फोर अब इस इक्वल टू फोर को हम इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वाई क्या मिल जाएगा फोर अपॉन टू प्लस साइन एक्स माइनस ये वन जो है वो इधर जाके माइनस वन हो जाएगा अब हमें क्या करना था वाई ऑफ पाई बाई टू निकालना था वाई ऑफ पाई बाई टू निकालने का मतलब है कि हमें एक्स की जगह पाई बाई टू रख देना तो क्या होगा फोर अपोन टू प्लस साइन पाई बाई टू कितना हुआ वन माइनस वन यानि क्या हो गया फोर बाई थ्री माइनस वन तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फोर माइनस थ्री वन वन अपॉन थ्री यानी कि अपना जो ऑप्शन था ऑप्शन कौन सा था ऑप्शन ए यानी आंसर इज आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन बाई थ्री लेट इस हमने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले की वन कंडीशन थी जो टू प्लस आइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स को रखा उसमें से वाई की टर्म्स को एक साइड ले लिया एक्स की टर्म्स को एक साइड ले लिया फिर उसे इंटीग्रेट कर लिया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्मेट को यूज करके उसके बाद में हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट टू प्लस साइन एक्स को टी रख के इंटीग्रेट कर लिया वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया उसे इंटीग्रेट करने के बाद में हमें मिला वाई प्लस वन इक्वल टू सी बाई टू प्लस साइन एक्स इसमें हमने क्या किया गिवन कंडीशन वाई ज़ीरो इक्वल टू वन यूज करके सी की वैल्यू फोर निकाल ली उसके बाद में हमने क्या किया वाई इक्वल टू फोर बाई टू प्लस साइन एक्स माइनस वन निकाल लिया इसके बाद में हमें क्या निकालना था वाई इक्वल टू वाई एट पाई बाई टू निकालना था तो हमने एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रख के ये इसको इवेल्युएट कर लिया तो इससे हमें क्या मिल गया आंसर वन बाई थ्री जो कि ऑप्शन कौन सा है था अपना ए ऑप्शन ए वन बाई थ्री इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन थैंक यू